श्री अकाल जी की हालचाल में उम्मीद करना तो सारे वधिया हो गए, सारे दिन बहुत वधिया जा रहे तो ना। गोवा से दिल्ली आके भी ना आ तो गए हैं, बट वो जो गोवा वाली फील्स है ना वो अभी तक नहीं गई। सो स्टिल वेयरिंग केलॉग्स वाली शर्ट कि चलो गोवा की याद आ रही है, बट कोई नहीं, दिल्ली में हम गोवा बना लेंगे। फिर गोवा से आने के बाद ना यू हैव टू डिटॉक्स योर बॉडी, गर्मी बथेरी होती है तो पसीना पसीना आए हाए हाए साडा हुसन ना खराब हो जाए। ता करके ना असं अपने डेली रूटीन से वापसी आ गए, दुध दही वाले मुंडे है असं। वो कहते हैं ना मुंडे पंजाब के ब्याह के लिया परियाँ, वैसे इससे कोई बात नहीं बनी, बट बात इसलिए बनी क्योंकि दूध दही मक्खन खाएंगे तो ही साडे नूर चेहरे पे ग्लो आएगा। ता करके हम आज सबसे पहले पीने वाले हैं लस्सी। हम लस्सी बना रहे हैं। कितने की? कितने की? 50 रुपए गिलास। बड़ी महंगी देते हो तुम यार, इतना दूध इतना महंगा हो रहा है, दही इतनी महंगी है, तो 50 रुपए में गिलास क्या सस्ता थोड़ी है। सही है, ये इसको हमने कस दिया और इसका बटन ऑन करते हैं, अब इतनी जोर से घूमेगा देखो। बन गई? हाँ। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि ना जब मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, टूटा था, तो उसके बाद टूटा नहीं था मतलब डिसलोकेट हो गया था और मांस फट गया था, तो उसके बाद मैंने ज़्यादा ख्याल तो नहीं रखा, जितना ख्याल रखा उतना ठीक है। अब इतनी दर्द तो है नहीं, बट आई थिंक नाउ रिहैब का टाइम है कि रिहैब इसको करना बड़ा ज़रूरी है, तभी मेरे को पता चलेगा कि मेरी शोल्डर की जो इंजरी है वो कहाँ तक पहुँची है। पहला दिन है, कोई ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं करना, स्टेमिना भी थोड़ा सा लूज़ हुआ है, तो कार्डियो करेंगे, कार्डियो सेशन देखते हैं कैसे जाता है, या विदाउट वेट्स ट्रेनिंग करके देखते हैं कि क्या होता है। विल नॉट ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना शोल्डर को, धीरे धीरे शुरू करेंगे। और अभी ना मैं कोई प्रोटीन ले रहा हूँ, ना मैं कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहा, विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ऐसे कोई नया बिगनर स्टार्ट करता है। सो सीन कुछ ऐसा है, पाजी ने बोला डोंट डू डंबल्स है, थायरा बैंड है उससे कर और वॉल की मदद से कर, तो वही करेंगे और कार्डियो करेंगे बस। भाई सबसे ज़्यादा फुद्दूबंदी क्या पता है, मैं यहाँ पे ट्रेडमिल कर रहा हूँ, सामने कोई चिकन बना रहा, पूरी खुशबू आ रही है उसकी। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब भी बंदा डाइटिंग करनी शुरू करता ना तभी उसके आसपास फूड आने लग जाता है। जैसे मैं जिम में कर रहा था तो जहाँ पे ट्रेडमिल है ना उसके सामने एक घर है, वो सालों चिकन बना रहा था। मैं घर आया हूँ, घर की जैसी गली में घुसा हूँ कोई परोठे बना रहा है, परोठों की खुशबू आ रही है। तो आज से मैंने ट्राई कर रहा हूँ कि हो जाए, तो अभी हमारे 4 अंडे उबल रहे हैं, अंडे खाएंगे। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट करने की सोच रहा हूँ मैं कि आज 2 अप्रैल है, 2 मई होता ना, हाँ 2 मई तक आई विल ट्राई टू रिड्यूस 10 kgs, होता है तो वैसे बहुत बड़ी चीज़ है, 10 kgs नॉट दैट इम्पॉसिबल, कर भी सकता हूँ, बट देखो क्या होता है। आप बताओ कमेंट्स में कि करूँगी ये चैलेंज या ना करूँ। चीरे वाले मैं कहनिया कर छतरी दी छां मैं छावे बैनिया। सो बात अब ये है कि नहा धो के तैयार मैं हो चुका हूँ, अभी हमारा जो गला है, जो हमारा गला है ये पकड़ा हुआ है, पता नहीं किसने पकड़ा हुआ है, मेरी कोई बेगम तो है नहीं जो फाड़ लेगी है ना, बट जो मतलब ठंड की वजह से, ठंड सर्द गर्म हो गया हमें, इसलिए हमें थोड़ा सा ना बोलने में दिक्कत हो रही है, बट कोई चक्कर नहीं, धीरे धीरे वधिया हो जाएगा। मेन बात ये है कि हाँ आई रिमेंबर, अगर आपके घर पर भी रोज रात को एक डिस्कशन होती है कि खाने च की बनावा मैं, ऐ बना लो ओ बना लो, तो आप पंजाबी हो और बनता है एक ही चीज़ है चिकन, तो हमारे घर में भी आज चिकन बन रहा है बिकॉज वी आर द नॉर्मल वंस है ना, वी आर द नॉर्मल वंस। बात कुछ बनी थी इस बात की, बट मन कर रहा है बात करने का आज आप लोगों से ना, तुसी प्यारे बहुत हो ना सारे, लव यू है। अभी हम बनाएंगे कुछ, आज खास बनाएंगे, बाकी आज आप लोगों से एक बहुत अच्छी बात शेयर करनी है। मैं बना रहा हूँ सब्जी, उसमें जो टमाटर डल रहे हैं देख रहे हैं, लाल लाल टमाटर, कितने लाल लाल टमाटर पता कहाँ गए हैं, अपने खेत के ऊपर के, बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं, प्योर ऑर्गेनिक। ये जो सारे टमाटर है ना, ये सारे ये हमने ना ऊपर पूरा फार्म सिस्टम बनाया हुआ, उसमें टमाटर खरबूजे सब कुछ उगता है। जी इस टाइम तुम्हारा खरबूजा लगा हुआ है, खीरा लगा हुआ है, तरबूज लगा हुआ है, और घिया लगा हुआ है, भिंडी लगी हुई है, अनार लगा हुआ है, बस रेडी लगानी रह गई है घर के बाहर, बस रेडी लगानी रह गई है। मेरी माँ तो दोनों जगह हुआई, मनाली भी हुआई, गोवा भी हुआ, सर्द गर्म मम्मी कर रही का नीचे से लेके पूरे ऊपर तक हुआई है। मनाली, गोवा, कर्नाटका,
हर जगह मेरी मम्मी ट्रैवल व्लॉगर बन रही है, आप भी एक कैमरा ले लो, आप भी बनाना आज। मैं वैसे मम्मी ना ये थोड़ी मम्मी पता नहीं कितने टाइम की बात इतना घूमी होगी, वैसे अगर मम्मी को हमने कैमरा ले दिया ना, मम्मी पता क्या करेगी, मम्मी के ट्रैवल व्लॉग कैसे होंगे। ए मेरा वॉशरूम है, गुसलखाना है, गुसलखाने तो मैं अपने कमरे च जा रही हूं, ए मेरा लंदन है ते ए मेरा पेरिस है, मम्मी का बस यही रहेगा पूरे दिन घर की सब कुछ दिखाती रहेगी मम्मी, पूरे दिन घर का ना घर का ही ट्रैवल व्लॉग बनाती रहेगी। कैसा था आपका मनाली? पहले मेरे को बात बता तो मेरे आगे कैमरा कर देता, जब मैं अभी कपड़े धो के ऐसे लोगों के लिए वैसे ही सोने हो हूर परी हो आप। अच्छा हूर परी हो। बताओ लोग कैसा लगा मनाली? बहुत बढ़िया ने, पहली बार जिंदगी में चल। तेरी मम्मी ने ना मनाली में जबरदस्त फोटो खिंचवाई है, देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे देखना। तो भाई ये डालेगा तभी ना। बता तो दो मम्मी अब पहली बार जिंदगी में क्या कर दिया? पहली बार जिंदगी में पापा को छोड़ के मनाली गए। वैसे वैसे तो आप इतना गए तो मेरे को पहाड़ों पे नहीं जाना इस बार। ये वैसे हमने चीज नोटिस करी है, नहीं, जब हमने जैसलमेर जा रहे थे ना, हमने ओली जाना था, हमें जाने नहीं दिया, हूं तो पूरे टब्बर नु लेके मनाली पहुंच गई थी। हमें छोड़ गई तीनों को। हां पहली बात तो पापा ने जबरदस्ती की, मनी ने जबरदस्ती की मेरे साथ, आजो मासी चलते हैं, मेरा मन नहीं था। हम कहे तो ना साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता। मेरा मन नहीं था वैसे। मैंने जबरदस्ती क्यों करी? मैं कि यार 21 साल हो गए, 4 दिन तो शांति से निकलेंगे। कोई नहीं, अब का टाइम आना है ना। पहली बात मनाली वैसे डर तो लगा मेरे को, पर नहीं, रोड बहुत अच्छी है। मम्मी वहाँ पे जाके बहुत है किसी जगह खराब, वैसे बहुत अच्छे, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी रोड सड़कें बन चुकी है वहाँ पे। मम्मी वहाँ जाके जट प्रभजोत से मिली, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हम माल रोड पे थे, जो मेरे जीजू है ना वो जट प्रभजोत पाजी के बहुत बड़े फैन है। हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस क्या था? वो एक दिन पहले ही याद कर रहे थे जट प्रभजोत यहाँ आया हुआ है, उससे मिलना है मिलना है मिलना। बाई चांस ही हम माल रोड पे खड़े थे, आपने पहचाना था, जीजू ने पहचाना था? जीजू ने। अच्छा, तो पीछे से एकदम से वो आ गया। अच्छा, वो आ गया। देखो वो आ गया। मैंने कहा दिल से याद किया ना, देखो दिल से याद किया तो सामने आ गए। चलो बढ़िया। साडे शेफ ने चिकन तो तैयार करता है, बट एक चीज मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आपके घर में भी ऐसा होता है कि माताएं चिकन बना तो देती हैं बट खाती नहीं है? मेरी माँ का भी ना सेम हाल है कि मैं बना दूंगी पर खाऊंगी नहीं, खाऊंगी भी तो ग्रेवी ग्रेवी के साथ खा लूंगी, पीस नहीं लूंगी। ऐसा क्यों मम्मी? मन करता है ग्रेवी ग्रेवी खा लूंगी, पीस नहीं लूंगी। माँ भी बूढ़ी, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। अच्छा, चबाया तो हमसे भी नहीं जाता, हम तो निकलते हैं। नहीं, हम बचपन से ऐसा करते थे, मेरी मम्मी बनाते, मम्मी बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, बनाते थे हमारे लिए। पता क्या करते थे? मटन बनाना, बीच में आलू डाल देने। बचपन में हम ग्रेवी और आलू खा लेते थे, वो भी साथ में चावल बनाने, पीस नहीं लेते थे बिल्कुल भी। तेरे छोटे वाले दादू थे ना, छोटे वाले दादू जो हमारे चाचा जी, वो पता कैसे करते थे? उस पे आग पे पतीली चढ़ा देनी और उसमें मटन बनाना उन्होंने बैठ के। जब मटन में पानी पुनी डाल देना तो उनका काम, तो ड्रिंक भी लेते थे वो, क्या करना साथ में पैक बनाना और बीच में से मटन निकाल निकाल के वो अध कच्चा ही खा जाते थे। वो जब तक सब्जी पक के तैयार होती थी तब तक मतलब मटन ही खत्म हो गया था मेरे।